हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिचेश मेरा ब्लॉग। और मैं हूँ रिचा। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं अपने स्किन केयर रूटीन के साथ। मैं जस्ट अभी नहा के आई हूँ, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन भी शेयर करूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, मैं आपको बताती हूँ कि दिन में मैं अपने स्किन की केयर घर पे जब मैं रहती हूँ तो कैसे करती हूँ। सो गाइज, सबसे पहले लगाती हूँ मैं टोनर। तो ये आपको गुलाब जल की बॉटल दिख रही होगी, बट इसके अंदर है टोनर, क्योंकि टोनर की इतनी बड़ी बॉटल है जो कि मुझे बड़ी बॉटल यूज़ करना अच्छा नहीं लगता, तो मैंने इसमें फील करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं अप्लाई करती हूँ टोनर। टोनर को आपको स्किन में अच्छे से ऑब्जर्व होने देना है, आपको 2 मिनट तक का वेट करना है। आप देख सकते हैं कि टोनर पूरा ऑब्जर्व हो चुका है। उसके बाद मैं अप्लाई करती हूँ सीरम। देन आपको अच्छे से इसे स्किन पे लगा लेना है। और गाइस, मैं लास्ट में यूज करती हूँ मॉइस्चराइजर। अगर धूप रहती है तो मैं सनस्क्रीन यूज करती हूँ, बट आज का मौसम बहुत अच्छा है तो मैं यूज करूंगी मॉइस्चराइजर। अच्छे से लगा मॉइस्चराइजर लगाने के बाद ही चेहरे पे ग्लो आ जाता है। उसके बाद अप्लाई करूंगी मैं अपना सिंदूर। आज मैंने पहना हुआ है सूट, तो आज मैं बिंदी भी लगाऊंगी। तो मैं लगा रही हूँ ब्लू कलर की बिंदी। तो गाइज, मैं लास्ट में लगा रही हूँ लिप बाम। और गाइज, मैं कुछ दिनों में अपना हेयर कट करवाने वाली हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी मेरे हेयर की लेंथ कितनी है। तो गाइज, अब मेरे बाल गीले हैं, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे हेयर की लेंथ कितनी है। तो अभी ये कुछ इस तरीके से, तो मैं अभी अपना हेयर कट करवाने वाली हूँ। मेरे बाल अभी इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं कि अब कुछ बचे ही नहीं लग रहा है मेरे सर पे बाल, तो इसलिए मुझे हेयर कट करवाना ही पड़ेगा। बाल झड़ना थोड़ा सा कम हो सके, क्योंकि लेंथ जितनी ज़्यादा बढ़ती जाती है ना, उतनी ज़्यादा हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। तो गाइज, हम लोगों को आज गैस स्टोव चेंज करना है। तो ये है मेरा पुराना वाला गैस स्टोव और ये है न्यू वाला। तो इसमें पूरी डस्ट लगी हुई थी, तो मैंने इसे एक बार पानी से वॉश कर दिया है। अब मैं इसे लगाने वाली हूँ और इसे मैं पैक करके रखने वाली हूँ। दोनों की साइज़ में भी कितना ज़्यादा डिफरेंसेस है तो दो ही बर्नर वाला। आप देख सकते हो कि इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी लग रही है, और इसकी क्वालिटी भी अच्छी थी, पर पता नहीं कैसे ये इतने जल्दी ख़राब हो गया। यहाँ पर मैंने नए वाले गैस के प्लेट्स रखे हुए हैं। तो गाइस, मैं ये वाला गैस को पैक करके रख देती हूँ।
के साथ ये नई पाइप और रेगुलेटर भी नया लेके आए थे, बट अभी हम लोगों को इसका काम नहीं है। मेरी पुरानी पाइप और रेगुलेटर अच्छे से काम कर रहा है, तो इसे मैं अभी रख देती हूँ। तो गाइज अभी मैं इसे स्टूल पे यहीं पर रख देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा भारी है और इसे ना ऊपर टांगना पड़ेगा, तो मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तो वो ही इसे टांग सकते हैं, क्योंकि अब ये थोड़ा भारी भी हो चुका है। मैं वाले गैस स्टोव में पाइप लगाती हूँ और स्टार्ट करके देखती हूँ। किन लोगों के साथ ऐसा होता है कि पुरानी चीजें फेंकने का मन नहीं होता, तो उनमें से मैं एक हूँ। और गाइस सबसे मेन चीज, आप प्लीज मेरे डार्क सर्कल को इग्नोर मानना, क्योंकि अभी मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही है, मुझे बॉडी पेन वगैरह हो रहा है। जब भी मेरी बॉडी पे कुछ प्रॉब्लम होती है ना, तो वो मेरे आईज से पता चलती है और मुझे डार्क सर्कल हो जाते हैं। मेरी नींद बहुत अच्छे से पूरी हो रही है, बट फिर भी मेरी आंखों से पता चल जाता है कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। प्लीज गाइज आप लोग इग्नोर करना। तो गाइज अभी हो रहा है शाम का टाइम, बज रहे हैं 7:30 और मेरे हस्बैंड अभी गए हुए बाहर, तो ही मैं वीडियो बनाती हूँ। हम जहाँ अभी रहते हैं ना, वहाँ का वातावरण शाम के समय इतना ज़्यादा अच्छा होता है, मीन्स हर घर से घंटियों की आवाज़ आती है, पूजा पाठ की आवाज़ आती है, तो यहाँ का जो माहौल है ना, वो शाम के समय इतना ज़्यादा मीन्स धार्मिक हो जाता है कि दूसरों के घर से घंटियों की आवाज़ आती है ना, और मुझे पूजा करने में लेट हो जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है मतलब मैं लेट हो गई पूजा करने में, क्योंकि क्योंकि सबके घर से ना एक एक दो दो मिनट के गैप में घंटियों की आवाज़ आती है, मीन सब एक ही टाइम पे पूजा करते हैं, तो मेरा भी ना अभी वही टाइम हो चुका है, वही रूटीन बना लिया है मैंने कि मैं भी 6:30-7:30 तक के अपना पूजा कंप्लीट कर ही लेती हूँ, तभी मुझे चैन मिलता है। देखो गाइस मेरी पूजा हो चुकी है और ये है मेरे महाकालेश्वर भगवान जी। आप लोग भी भगवान की आरती ले लीजिए। आजकल ना मैं शाम के वीडियो इसलिए भी नहीं बना सकती, क्योंकि ना शाम के समय यहाँ पे बच्चे लोग इतना शोर मचाते हैं, और कैसे शोर मचाते हैं ना मैं आपको दिखाती हूँ, रुको जाओ। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय गाइस।